हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार चैनल पर स्वागत है। आज हम एक कहानी जिसका नाम है चंद्रदीप से मेरी बातें, लेखिका है बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष, से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, किसे कमीशन और मिशन दोनों प्रिय है? ऑप्शन है चित्रगुप्त, चंद्रदेव, धन्वंतरी, लड़कर्जन। इसका सही आंसर होगा लड़कर्जन। अगला प्रश्न है, चंद्रदीप से मेरी बातें कहानी के लेखक कौन है? माधव राव सप्रे, सुभद्रा कुमारी चौहान, राजेंद्र बाला घोष, कृष्णा सोबती। इसका सही आंसर है राजेंद्र बाला घोष। चंद्रदीप से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह कथन किस आलोचक का है? इसका ऑप्शन है देवीशंकर अवस्थी, मधुरेश, नामवर सिंह, भवदीप पांडे। इसका सही आंसर होगा भवदीप पांडे। जब लड़कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है? इसका ऑप्शन है शिव शंभु के चिट्ठे, चंद्रदीप से मेरी बातें, दुलही वाली, शिव मूर्ति। इसका सही आंसर होगा चंद्रदीप से मेरी बातें। यह कथन चंद्रदीप से मेरी बातें कहानी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग किया गया है, निम्नलिखित किस पर व्यंग किया गया है? अंग्रेजी की पक्षपाती नीति, इस पर व्यंग किया गया है। प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था, इस पर भी व्यंग किया गया है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर, इस पर व्यंग नहीं किया गया है। और किस पर? लार्कार्जन की नीतियों पर, यह भी व्यंग किया गया है। यातायात के साधनों की उपलब्धता पर, इस पर व्यंग नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी। ए, बी और डी। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव ने लेखिका के कितने सवालों का उत्तर दिया? सिर्फ एक का, पांच का, एक का भी नहीं, सभी की। चंद्रदेव ने लेखिका के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रही है। किस कहानी की पंक्ति है? यह पंक्ति चंद्रदीप से मेरी बातें कहानी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, इस कहानी में चंद्रदीप का स्वामी किसे बताया गया है? सुरेंद्र, सूर्य, धन्वंतरी, धरती। चंद्रदीप से मेरी बातें कहानी में चंद्रदीप का स्वामी सूर्य को बताया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रदीप से मेरी बातें कहानी के आधार पर कौन सा असत्य है? ऑप्शन है चंद्रदीप से मेरी बातें पहली राजनीतिक कहानी है, ये तो सत्य है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, यह तो गलत है क्योंकि यह संवाद शैली में लिखी गई है। इस कहानी में लड़कर्जन पर व्यंग किया गया है, यह भी सही है। इस कहानी का केंद्रीय विषय अर्थनीति और राजनीति है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस कहानी के आधार पर कौन सा असत्य है? सही आंसर होगा यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रदीप से मेरी बातें कहानी की विशेषता नहीं है,
लेखिका ने नारी स्थिति का जिक्र बिजली के माध्यम से किया है। लेखिका ने कहानी के द्वारा सत्ता को चुनौती दी है। लेखिका ने न्याय व्यवस्था पर भी कटाक्ष किया है। देश में फैली हैजा का जिक्र कहानी में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा यह होगा, देश में फैली हैजा का जिक्र कहानी में नहीं किया गया है, इसमें प्लेग की जिक्र की गई है। चंद्रदीप से मेरी बातें कहानी में किस शहर का वर्णन किया गया है? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। इस कहानी में कलकत्ता शहर का वर्णन किया गया है। कहानी में किस बीमारी की ओर संकेत किया गया है? हैजा, प्लेग, मलेरिया, पोलियो। इसका सही आंसर है प्लेग। इस कहानी में प्लेग बीमारी की ओर संकेत किया गया है। चंद्रदीप से मेरी बातें कहानी के अनुसार देवताओं के चीफ ऑफ जस्टिस कौन है? चित्रगुप्त, चंद्रदेव, धन्वंतरी, लड़कर्षण। देवताओं के चीफ ऑफ जस्टिस है चित्रगुप्त। इनमें से कौन सा असंगत है? आधुनिक भारत लड़कर्षण, देव सेनापति कार्तिकेय, फैमिली डॉक्टर चित्रगुप्त, सभी संगत है। तो इसका सही आंसर होगा फैमिली डॉक्टर चित्रगुप्त, यह असंगत है। अगला प्रश्न है, चंद्रदीप से मेरी बातें कहानी के अनुसार चंद्रदीप से कौन सा उपाधि नहीं मिली? शशांक, सशलांचन, सशधर, मृगांक। इस कहानी के आधार पर चंद्रदीप से मृगांक उपाधि नहीं मिली। चंद्रदीप से मेरी बातें कहानी किस शैली में लिखी गई है? पूर्वदीप्ति शैली, लोककथात्मक शैली, भावपूर्ण शैली, संवाद शैली। इसका सही आंसर है संवाद शैली। चंद्रदीप से मेरी बातें कहानी संवाद शैली में लिखी गई है। इस कहानी में किस पर करारे व्यंग किया गया है? लड़कर्षण, महारानी विक्टोरिया, धन्वंतरी, सभी। इसका सही आंसर है लड़कर्षण। इस कहानी में लड़कर्षण पर करारे व्यंग किया गया है।